नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी सॉरी एसपीटी पब्लिकेशन का किताब करंट अफेयर्स पढ़ा जो कि आपका फरवरी 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 तक का इसमें दिया गया करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 35 जो कि आपका पार्ट में बी होगा और आपका चैप्टर नंबर 35 का पार्ट में बी वीडियो नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इसका दूसरा वीडियो आएगा चैप्टर नंबर 35 का। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 35 समसामयिकी था विविध। ठीक है, तो इसका जो चैप्टर नंबर 35 पार्ट नंबर बी और वीडियो नंबर 2। ठीक है, तो यह आज आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, तो भारत के प्रमुख रामसर साइट 2021-22 भारत के प्रमुख रामसर साइट 2021-22 में जो भी है, तो सालबुग आद्र भूमि संरक्षण रिजर्व, तो सालबुग आद्र भूमि संरक्षण रिजर्व जो कि आपका जम्मू कश्मीर में, इसका 75वां है। ठीक है, 75th रामसर साइट है ये। हाईगम, तो हाईगम आद्र भूमि संरक्षण रिजर्व, यह भी आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो आपका सालबुग आद्र भूमि संरक्षण रिजर्व और आपका हाईगम आद्र भूमि संरक्षण रिजर्व आपका जम्मू कश्मीर में। ठाणे किकर महाराष्ट्र में, तो ठाणे किकर महाराष्ट्र में। कांजी कांजी कांजीरकुलम, तो कांजीरकुलम पचियावरण तमिलनाडु में। वडुवूर पचियावरण आपका तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरूर आद्र भूमि कॉम्प्लेक्स आपका तमिलनाडु में। आपका चित्रागुड़ी पचियावरण आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये आपका नया रामसर साइट है जो कि 21-22 में मिला है भारत को। तो कांजी कांजी सॉरी कांजीर कांजीरकुलम पचियावरण तमिलनाडु में। वडुवूर पचियावरण आपका तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरूर आद्र भूमि कॉम्प्लेक्स आपका तमिलनाडु में। चित्रागुड़ी पचियावरण आपका जो है तमिलनाडु में। ठीक है, यशवंत सागर जो कि आपका मध्य प्रदेश में, तो यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। और अंशुपा झील आपका उड़ीसा में। हीराकुंड जलाशय आपका उड़ीसा में। और तमपारा झील आपका उड़ीसा में। ये तीनों को उड़ीसा का जो है रामसर साइट रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, तो आपका अंशुपा झील और हीराकुंड और आपका जो तमपारा झील आपका जो है उड़ीसा का, इसे जो है घोषित किया गया। रंगनाथ तीतु आपका कर्नाटक में। नंदा लेक आपका गोवा में। ठीक है, आपका सतकोसिया गौड़ ये भी आपका उड़ीसा का है। ठीक है, तो ये भी उड़ीसा का है, इसे रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, तो नंदा लेक आपका गोवा में, सतकोसिया गौड़ आपका उड़ीसा में। ठीक है, तो सतकोसिया गौड़ उड़ीसा में और रंगनाथ तीतु आपका कर्नाटक और नंदा लेक आपका जो है गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु फिर से काफी ज्यादा तमिलनाडु को मिला है रामसर साइट। ठीक है, तो आपका बेम्बानूर, तो बेम्बानूर आद्र भूमि कॉम्प्लेक्स आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो बेम्बानूर जो है आद्र भूमि जो है सॉरी बेम्बानूर आद्र भूमि कॉम्प्लेक्स आपका तमिलनाडु। ठीक है, बेलाड, तो बेलोड पचियावरण आपका तमिलनाडु। और बंदान थांगल, तो बंदान थांगल पचियावरण आपका तमिलनाडु। उदय मातंडेपुरम आपका पचियावरण आपका तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर जो आपका तमिलनाडु। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है कुंथानकुलम आपका पचियावरण आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आपका तमिलनाडु का। ठीक है, तो आपका बेम्बानूर आद्र भूमि कॉम्प्लेक्स आपका तमिलनाडु। बेलोड, तो बेलोड पचियावरण आपका तमिलनाडु। ठीक है, और आपका जो बदान थंगल पचियावरण आपका तमिलनाडु। और जो है उदय मतांडपुरम पचियावरण आपका तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु। कुंथानकुलम पचियावरण आपका तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सिरपुर तालाब आपका इंदौर मध्य प्रदेश जो कि आपका रामसर साइट है। पाला आदि भूमि सियाह जिला आपका मिजोरम, ये आपका रामसर साइट है। और 53वां रामसर का साइट मिला साके सागर झील को जो आपका शिवपुरी मध्य प्रदेश में। पिचवरम, तो पिचवरम बेंगलुरु। 52वां रामसागर साइट जो कि आपका पिचवरम तमिलनाडु में। पल्लिकरनई, तो पल्लिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट आपका चेन्नई तमिलनाडु में, ये भी आपका रामसागर साइट है। करिकली पचियावरण आपका कांचीपुरम तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु काफी ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभियान आपका संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। और खिजड़िया पचियावरण आपका जामनगर गुजरात। हैदरपुर आद्र भूमि आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, भिंडवास वन्यजीव अभियान आपका झज्जर हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुरुग्राम हरियाणा। थोल झील वन्यजीव अभियान आपका महसाना गुजरात। वाधवान, तो वाधवाना आद्र भूमि आपका बड़ौदा गुजरात। सोकर झील आपका लद्दाख। सूर्य सरोवर यहाँ पे कृतम झील, तो सूर्य सरोवर यहाँ पे कृतम झील आपका आगरा उत्तर प्रदेश। लोनार झील आपका बुल्ढाना महाराष्ट्र। कांवरताल झील तेगुसा बिहार, इन सभी को जो है रामसागर साइट घोषित किया गया। ठीक है, तो आपका ये जो है रामसागर साइट घोषित किया गया।
आपका हाल चाल में आज है, ठीक है। तो वर्तमान में देखिए आपका लिखा हुआ, वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 75 है, जो कि आपका 2 से 3 साल में काफी ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। इससे पहले आपका 30 तक था, 30-40 के बीच में, अभी आपका 75 हो गया 2 साल के अंदर। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, आपका तमिलनाडु में 14, आपका टोटल रामसर साइट है तमिलनाडु में, ठीक है। तो आपका जो है जम्मू कश्मीर में 2 है आपका रामसर साइट, ठीक है। तो 75वां आपका नया हलचल बना, ठीक है। तो सालबुक आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व और हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, महाराष्ट्र में आपका ठाणे क्रिक, ठीक है, कांजीरिकुलम पक्षी अभयारण्य, बुढ़बोर पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स और चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य, ये आपका तमिलनाडु में। यशवंत नगर मध्य प्रदेश में, अंशुपा झील, तो अंशुपा झील हीराकुंड जलाशय, और आपका तम्पारा झील, और आपका जो है ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। तो आपका अंशुपा झील हीराकुंड जलाशय और तम्पारा झील आपका उड़ीसा में, रंगनाथ तित्तू आपका कर्नाटक में, नंदा लेक गोवा में, ठीक है। और नेक्स्ट आपका सतकोसिया गोल आपका उड़ीसा में, ठीक है। आपका जो बेम्बानूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, बेल्लाट पक्षी अभयारण्य आपका तमिलनाडु में, बदान थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, उदय मार्तांडेपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व आपका तमिलनाडु में, और कुंथान कुल्लम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, सिरपुर तालाब आपका इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। और पाला आर्द्र भूमि सियाहा जिला मिजोरम में, साह के सागर झील त्रिपनमा आपका चाहिए रामसागर सेट शिवपुरी मध्य प्रदेश, पिचवरम मैंग्रोव पावरमा आपका पिचवरम तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ आपका जो है तो पिचवरम मैंग्रोव आपका पिचवरम तमिलनाडु, पल्लिकनरई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट आपका चेन्नई तमिलनाडु, करिकल्ली पक्षी अभयारण्य आपका कांचीपुरम तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बकीरा वन्यजीव अभयारण्य कांसंत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य आपका जामनगर गुजरात, हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुरुग्राम हरियाणा, इसे मिला है आपका रामसागर साइड का टैग, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य महसाना गुजरात, बादवाना आर्द्र भूमि आपका गुजरात, ठीक है। तो ये आपका गुजरात का, ठीक है। तो खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में, और आपका थोल झील वन्यजीव अभयारण्य आपका गुजरात में, बादवाना आपका आर्द्र भूमि आपका गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट आपका सोकर झील आपका लद्दाख में, सूर्य सरोवर आपका कीथम झील आपका आगरा उत्तर प्रदेश में, लोनार झील आपका महाराष्ट्र बुलढाणा महाराष्ट्र में, और कांवर तार झील आपका बेगूसराय बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मिशन चंद्रयान 2 महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है। तो मिशन चंद्रयान का जो है महत्वपूर्ण तत्व पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका छूट गया था कल, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। तो मिशन चंद्रयान महत्वपूर्ण तत्व, तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे ऑर्बिटर लैंडर और मार्स रोवर, ठीक है। तो चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे ऑर्बिटर लैंडर और रोवर, लैंडर को विक्रम, रोवर को प्रज्ञान नाम दिया था, लैंडर को विक्रम नाम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे, और इस मिशन की कुल लागत 978 करोड़ रुपये थी, और इस मिशन के महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम बनीता एवं ऋतु करीधल थी, ठीक है। आपका भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, तो इसको पढ़ते हैं। तो काला जार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2023 में, तो काला जार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया, ठीक है। और सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का 2023, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023, ब्रॉडगेज रूट्स के 100% वृद्धिकरण का लक्ष्य 2023, और उर्वरक आपका क्षेत्र में आत्मनिर्भर जो है बनाने का 2023 में, ठीक है। तो आपका काला जार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए 2023, सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने के लिए 2023, आपका ब्रॉड गेट रूट्स को 100% वृद्धि करने के लिए 2023, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2023, ठीक है।
नेक्स्ट आपका कृषि में शून्य डीजल उपयोग, तो कृषि में शून्य डीजल आपका जो है, कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीनकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल 2024 में किसानों की आय, तो कृषि में शून्य डीजल उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल 2024 किसानों की आय दोगुना करने के लिए, पहले 2022 था 2024 हो गया, सब सबके लिए आवास मुहैया करने के लिए अब पहले आपका 2022 था 2024 हो गया, ठीक है। और हर घर में, हर घर में जल से जल, हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति करे आपका जो 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को 50% तक कम करने के लिए आपका 2024 में, ठीक है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने के लिए आपका 2024 में रखा गया, ठीक है। तो 2024 में आपका जो लक्ष्य रखा गया वो आपका है कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल, किसानों की आय दुगना करने के लिए, तो पहले आपका 2022 था अब 2024 हो गया, सबके लिए आवास मुहैया करने के लिए 2024, हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल आपूर्ति करें 2024, सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को 50% तक कम करने के लिए 2024, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने के लिए 2024। नेक्स्ट आपका 2025 में आपका कौन कौन सा लक्ष्य है जो पूरा करना, ठीक है। तो जो है 25 का टारगेट दिया गया, तो 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने के लिए 2025, सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए 2025, मवेशियों में फुट और मौत रोग खत्म करने के लिए 2025, भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 2025, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने के लिए 2025, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने के लिए 2025, दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करना 2025, ठीक है। तो ये आपका 2025 का जो लक्ष्य दिया गया, ठीक है, इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने के लिए 2025 में, सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए 2025, मवेशियों में फूट और मौत को खत्म करने के लिए 2025, भारत में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 2025, भारत को टीवी मुक्त देश बनाने के लिए 2025, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने के लिए 2025, दूध प्रसंस्करण क्षमता का दोगुना करना 2025, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए 2030, ठीक है। तो 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए 2030, सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात करने के लिए 2030 में, और कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी आपका करना 2030 में, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2030 में, और भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने के लिए 2030 में, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 में, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य करना 2030 में, एचआईवी एड्स को खत्म करने के लिए एवं मलेरिया उन्मूलन 2030 में, और 500 गीगावाट ऊर्जा, अच्छाई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 2030 में, और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 2030 में, ठीक है। तो अच्छाई ऊर्जा 2030 में 500 गीगावाट और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 2030 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047 तक, भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने के लिए 2047 तक, और मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 2050 तक, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 2070 तक, और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य आपका 2070 तक, ठीक है। तो भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 2070, और मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 2050 तक, ठीक है। तो ये आपका आज का वीडियो था जिसको हमने कंप्लीट किया, तो आज के बताएं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।